बीते दिनों मुख्यमंत्री के वायरल वीडियो का बवाल मचा हुआ है। इंदौर जिलाधीश कार्यालय पर प्रदर्शन कर कांग्रेस ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रशासन आमने सामने हो गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सहित कई नेता गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर गिरफ्तारी करना बताया है। बाकलीवाल ने मुख्यमंत्री के वीडियो कथित बयान पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने साजिश से कांग्रेस सरकार गिराई। बीते दिनों भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हर चौराहे पर भीड़ में जन जागरण अभियान चलाया था। बाकलीवाल ने बोला कि रेसिडेंसी पर मुख्यमंत्री के साथ भी भारी भीड़ के चलते कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कलेक्टर द्वारा ज्ञापन लेने से इनकार किया जाने पर इसका विरोध किया जा रहा है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने साजिश के तहत यही नीति है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ जहाँ भी चुनी हुई सरकारें थी वहाँ पर कांग्रेस जनता ने चुना था, उन जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराया है। अभी उपचुनाव होने वाले हैं, एक एक विधायक किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बैठे नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह ने किस तरीके से जो है कांग्रेस की सरकारों को गिराया है, उनको ये जनता बताएगी कि किस तरीके से आपको सेवा करने के लिए जो है कमलनाथ जी की सरकार एक अच्छा काम कर रही थी, चाहे किसानों की आज हम केंद्र जो शिवराज सिंह चौहान खुद इंदौर में आके बोल के गए हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा इशारे पर सरकार गिराई गई है, जिसका वीडियो ऑडियो आपके पास में है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी की जब मुख्यमंत्री थे चुनी सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, तब मुझके गिरा गया भाई दूंगा, पहले भाई दूंगा। हमने कल परमिशन मांगी, हमें ज्ञापन नहीं दिया, हमें परमिशन नहीं दी जाती है, और वही भारतीय जनता पार्टी को कल परमिशन दी जाती है चौराहे चौराहे में 55 लोगों की, और वहाँ 100 लोग इकट्ठे होकर पास बांटते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। 250 लोग थाने पर पहुँच के घेराव करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। हम केंद्र सरकार ने साजिश के तहत हमारी सरकार गिराई, जो खुद शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को माना है। खुद शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में बोला, जिसकी वीडियो ऑडियो आपके पास में है, केंद्र माननीय मुख्यमंत्री पूर्व के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनी सरकार थी मध्य प्रदेश में, बहुमत की सरकार थी, इतने विकास के कार्य कर रहे थे, किसानों को ऋण माफ़ किया, पेंशन योजना, बिजली का बिल 100 रुपये यूनिट का बिजली का बिल कर दिए। ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा था, साजिश के तहत उन्होंने हमारी सरकार गिराई, और आज हम यह ज्ञापन देने, हमें ज्ञापन भी देने दिया, प्रजातंत्र तरीके से ज्ञापन भी नहीं ले रहा, लोकतंत्र की हत्या की गई। आराम से खड़ा हूँ भैया, अरे हवा नहीं आ रही उसमें, अरे हवा नहीं आ रही मेरा भी मार।
करना चाहा था। वरिष्ठ अधिकारियों ने, कलेक्टर महोदय ने, डीआईजी महोदय ने चर्चा करके इस पर निर्णय लिया था और उनको लिखित में कम्युनिकेट भी किया था हमारे एडीएम ने कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। जैसा कि इंदौर में आप देख रहे हैं, इस प्रकार का कोई भी प्रदर्शन अभी नहीं हो रहा है। कोरोना काल को देखते हुए ये संभव नहीं था कि प्रदर्शन की अनुमति दी जाए, बावजूद इसके भी 15 से 20 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उनको प्रारंभ में समझाइश दी गई कि आपका प्रदर्शन गैरकानूनी है, उसके बावजूद वो नहीं माने, उनने सड़क पर बैठने की कोशिश की तो हम लोगों ने उनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया। आगे जैसा कि आप जानते हैं, प्रदर्शन क्या है, तात्कालिक रहता है, इसका पश्चातवर्ती या पूर्ववर्ती कोई इफेक्ट नहीं रहता है और संबंधित मजिस्ट्रेट जो उस क्षेत्र के हैं जहाँ पर ये गए हैं वो निर्णय लेंगे। यदि शांतिपूर्ण ढंग से ये रहेंगे तो उनको मुचल के तो रिहा भी किया जा सकता है। सामान्य प्रक्रिया करीब मोटे तौर पे 15 से 20 188 कार्रवाई होगी क्या? निश्चित रूप से जो वो पुलिस और मजिस्ट्रेट जो भी इसमें धाराएँ 188 वगैरह होंगी वो निश्चित रूप से, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। यदि किसी भी चीज़ का वायलेशन होता है तो जो जो कानून लगते हैं उसको लगाया जाता है, सामान्य। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।